हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज ये कोई डेली ब्लॉग नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है। स्पेशली जो नीट या जेई के एस्पिरेंट हैं, फीस का क्या है, हॉस्टल्स का क्या है, टीचर्स और ढेर सारी बातें करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में कहीं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं कहीं किसी कोचिंग को गलत कह रहा। सब कोचिंग बढ़िया होती हैं अपनी अपनी जगह पे। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कोचिंग, कौन से टीचर पसंद आते हैं। पहले बात कर लेते हैं टीचर्स की। तो देखो यार, टीचर्स तो सब अच्छे होते हैं, चाहे वो कानपुर के हों, चाहे वो कोटा के हों। लेकिन डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हमें किस टीचर का पढ़ाना, उनका एक्सप्लेनेशन का मेथड हमें पसंद आता है। क्योंकि अल्टीमेट सेल्फ स्टडी तो हम ही को करनी पड़ती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, चाहे वो 1 साल की हो या 2 साल की। तो अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो आपको पता ही होगा कि कोटा में कितना फीस लगता है। कम से कम उनका फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस आता है टोटल मिला के, वो केवल केवल ट्यूशन फीस अगर हम देखें तो 1,25,000 से लेके 150 के अप्रोक्स में रहता है। सब इंस्टीट्यूट का डिफरेंट डिफरेंट होता है। और यही अगर हम बात कर लें कानपुर की, तो कानपुर में कुछ पर्टिकुलर ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो तुम्हें 57,000 या 60,000, 30 से लेके तुम्हारा 70 तक में आ जाता है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो फीस का मार्जिन काफ़ी अच्छा है। जो लोग थोड़ा लो बैकग्राउंड से आते हैं, जो उतना एक्सपेंस कोटा में रह के नहीं दे सकते, तो अपना कानपुर एक सेकेंड ऑप्शन रख सकते हैं अगर उन्हें प्रिपरेशन करनी है तो। वो चाहे नीट की हो या जे की हो, ये दोनों कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल है। दोस्तों अब बात करते हैं टाइम टेबल की, जो कि स्टूडेंट के लिए या फिर ये बोले जो भी कंपटीशन में प्रिपेयर करते हैं उनके लिए टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है। टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो इस पे जब मैं अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैं कानपुर गया तो कानपुर में उनका कोचिंग का टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं होता। फिजिक्स का पता नहीं टाइम टेबल कब हो, उसके बाद घंटे 2 घंटे का ब्रेक हो, उसके बाद मैथ की कोचिंग हो, फिर घंटे 2 घंटे बाद केमिस्ट्री की कोचिंग हो, तो उसमें टाइम लॉस बहुत होता है। वहीं अगर हम बात करें कोटा की, तो कोटा में 2 शेड्यूल चलते हैं, एक इवनिंग शेड्यूल, एक मॉर्निंग शेड्यूल। अगर आप स्कूल लाइफ से कंफर्टेबल हैं, आप लगातार 6 घंटे क्लास कर सकते हैं। जैसे शाम वाला बैच होता है वो 2 से 8 चलता है, या जो मॉर्निंग वाला बैच होता है वो आपका 8 से 2 चलता है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी मिलती है कि हम एक बार कोचिंग जाएं, उसके बाद PCM तीनों कवर करके उसके बाद अपना रूम में आके सेल्फ स्टडी करते रहें। कोटा में पढ़ने का टाइम टेबल तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन कानपुर में तुम खुद से टाइम टेबल डिसाइड नहीं कर सकते। तुम्हें उसी टाइम टेबल को फॉलो करना होगा जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट अपना टाइम टेबल सेट करते हैं। ये मुझे कानपुर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा है। अब बात कर लेते हैं टीचर के पर्सनल अटेंशन की, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो कोचिंग में केवल हमें टीचर केवल और केवल क्लासरूम में ही दिखाई देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर से क्लासरूम में होते हैं। तो अगर उस कोटा में बात कर ले तो कोटा में हफ्ते में एक बार डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। वो किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में संडे को होती है, किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अदर 6 डेज में होती है, लेकिन कानपुर में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ कानपुर के अच्छे टीचर हैं जो कि डाउट सॉल्विंग क्लासेस लेते हैं, और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो कि आफ्टर क्लास डाउट सॉल्विंग के लिए टाइम देते हैं। तो ये दोनों जगह कॉमन है, आप जो भी प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं लैंग्वेजेस की, क्योंकि कई बार होता है लोग यूपी बोर्ड से पढ़ के जाते हैं, CBSE बोर्ड से पढ़ के जाते हैं, तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा पंगा रहता है बच्चों के साथ में भी, टीचर के साथ में भी। और अगर हम लैंग्वेज का कोटा में देखें तो कोटा में दोनों लैंग्वेजेस के टीचर मिलते हैं जो कि हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, और इनके CBSE वाले बच्चों को जो टर्मोलॉजी होती है वो इंग्लिश में यूज़ होती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन उनका हिंदी में होता है। तो कई बार यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो टर्मोलॉजी के साथ बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, इसका लफड़ा काफ़ी रहता है बच्चों में, बच्चे परेशान रहते हैं हिंदी से पढ़ें इंग्लिश से पढ़ें। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लास्ट लास्ट तक पेपर के आने तक भी वो इस बात से कंफ्यूजन रहते हैं कि हम अपना पेपर हिंदी में दें या इंग्लिश में दें।
और यहीं पे अगर बात कर ले कानपुर की, कानपुर में केवल एक लैंग्वेज चलती है वो है इंग्लिश। कानपुर में हिंदी टीचर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट कानपुर में भी हैं जो कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, डिपेंड करता है टीचर टू टीचर के ऊपर कि आप कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं। और अगर आप जब भी कभी कानपुर या कोटा कहीं कहीं पे भी जाएं तो अपना लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखें, या तो आप 100% हिंदी से दें या तो आप 100% इंग्लिश से दें। तो अब बात कर लेते हैं मेथड का, पढ़ाने के तरीके का। तो कोटा में क्या होता है, आपको हर एक स्ट्रीम के, हर एक टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट टीचर प्रोवाइड होते हैं जो कि उस स्ट्रीम में या उस टॉपिक में एक्सपर्ट होते हैं। और अगर हम कानपुर में देखें तो कानपुर में आपको एक टीचर मिलेगा या मुश्किल से एक की जगह ऑप्शन दूसरा भी हो सकता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन बहुत कम इंस्टीट्यूट में होता है। तो अगर आप कानपुर जाएँ तो ये ज़रूर देख लें कि आपको कितना सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाएगा, उनके एक्सपीरियंस क्या क्या हैं, और थोड़ा बच्चों से इंटरेक्ट करें कि आखिर जो बच्चे वहाँ पहले से पढ़ रहे हैं तो वो आपको पूरी नॉलेज देंगे उस इंस्टीट्यूट के बारे में। बात कर लेते हैं हाउ टू सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जेईई और नीट प्रिपरेशन। तो अगर आपके कोई सीनियर से भैया हों, रिलेशनशिप में अगर कोई हो तो आप उनसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें जो ऑलरेडी नीट या जेई की प्रिपरेशन कर चुके हैं, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। उसके बाद कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कानपुर और कोटा के बारे में बता रहा है और अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बता रहा, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, मेरे पास उतना बजट नहीं था कि जो मेरे पास कोटा ऑप्शन होता, इसलिए मेरे पास पर्सनली मेरा एक ही ऑप्शन था जो था कानपुर का। कोइंसिडेंट कानपुर लोकेशन भी मेरे पास ही में जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मैंने कानपुर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की, ज्वाइन करने के बाद अपनी पढ़ाई की, 1 ईयर प्रिपरेशन की, उसके बाद नाउ आई एम सिलेक्टेड इन जेई एडवांस 2021 एंड अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चालू है। तो देखते आगे क्या होता है, कौन सी IIT मिलती है। कहीं ना कहीं कोटा मैटर नहीं करता, जो लोग कहते हैं यार आपने कोटा फैक्ट्री होगी तो जिसका कोटा में आके नहीं हुआ उसका होना ही ना था, इसमें केवल 90% सत्य है, उसके बाद कुछ नहीं है। क्योंकि 10% भी अगर चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के तो आप उसे 10% को 100% में कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपनी दम पे, अपनी मेहनत की दम पे। कई बार होता है लोग घर पे बैठ के प्रिपरेशन करते हैं 1 ईयर 2 ईयर, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब तो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट हो गया है, जो कि ऑनलाइन में कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको मिनिमम कॉस्ट में, तो आप ऑनलाइन भी प्रेफर कर सकते हैं। टाइम टेबल से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, या फिर कहीं कोई डाउट होता है आपकी जेई प्रिपरेशन में तो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, और उस टॉपिक का वीडियो हम जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे आपके सामने लाने की। और आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई और नीट प्रिपरेशन इन द इनकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।